ये देखिए मंदिर कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, देख रहे हैं कितनी अच्छी नज़ारे आ रहे हैं बट ब्रिज के मंदिर के अंदर। हमारे दोस्त जो पूजा में मगन है अभी, देख सकते हैं आप तो। और ये हैं जो थक के बैठ चुके हैं, क्या चाहिए? आराम से चलो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर, जो कि योगी जी का यहाँ पे काफ़ी दब रहते हैं और उनका काफ़ी विश्वास है। अरे अभी शाम को योगी जी गए हैं आज यहाँ से। हाँ तो हम लोग आ गए हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर में है। तो गुरु गोरखनाथ बाबा का काफ़ी पावन धाम है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं। तो ये हम लोग कृपा है बाबा सुधाकर सोनी है और ये कपीश जी हैं और ये हम लोग कार से आए हैं, सुधाकर सोनी जी जो कि लेके आए हैं अपना कार। तो हम लोग घूमे हैं और चल के अंदर देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो चलते हैं अंदर। तो हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं मंदिर के, ये देख रहे हैं। मंदिर के अंदर ही ये सब, तो हम लोग काफ़ी अंदर भी चल रहे हैं और काफ़ी अंदर चल के आए हैं और अंदर अभी जा रहे हैं, अभी मंदिर के पास भी पहुँचने वाले हैं। इधर देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण के अंदर ही इतनी दुकानें लोग सब लगी हुई हैं, सजावट है मंदिर के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, मनोरम एकदम रमणीय दृश्य है एक तरह से। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी आगे तक चल के जाना है। मेन गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। ये देखिए मंदिर कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। सुधाकर इधर मुँह करो। मंदिर के सामने का नज़ारा है, आप देख ले सकते हैं क्या मनोरम नज़ारे हैं। ये मंदिर का है जो अंदर आपने देखा। कपिल जी हैं कई लगे हुए हैं। तो और हमारे साथ तीसरे दोस्त हैं जो हमारे जिगरी दोस्त हैं, सुधाकर सोनी। तो हेलो दोस्त, बहुत दिनों बाद। तो दोस्तों हम लोग गोरखनाथ मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं, जो आप पीछे देख रहे हो गोरखनाथ मंदिर ही है और हम लोग अंदर घूम रहे हैं। तो ये कपिल जी हैं हमारे साथ। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा नज़ारा है, आप लोग भी आइए घूमिए। लाउडली मंदिर बहुत सजा धजा है, बहुत अच्छा मेला भी लगा है, शिवरात्रि तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप लोग आइए इंजॉय कीजिए, बढ़िया एकदम व्यवस्था है। तो हम कपिल पानी रहने खाने का सब फ्री है यहाँ पे। तो कपिल जी को देख रहे होंगे हमारे गोरखनाथ बाबा की जय हो।
जय हो। तो कपीश जी को देख रहे हैं, हमारे तीसरे ब्लॉग में है और हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड में ही है और हमारे तीसरे ब्लॉग में है। तो हम लोग गोरखपुर में घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो यहाँ रात को घूमने का अवसर मिला। तो अभी हम पूरे मंदिर का आपको दृश्य दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत दिनों बाद चारों लोग इकट्ठे हुए, एक तो रह गया बस्ती में है विनोद यादव, तो सोचे थे उसको साथ में लेकर आने को, लेकिन राम सिंह ने कहा कि जो है छोड़िए उसको, उसकी जो है थोड़ा पोस्टिंग में रिस्ट्रिक्शंस हो रहे थे। तो हम लोग सोचे कि चले एक साथ, और ग्रेजुएशन पीरियड में हम चारों तीनों जब साथ में थे तो इतनी मौज मस्ती किए कपीस कहाँ भाई, इतनी मौज मस्ती किए हम लोग की मैंने क्या बताएं, यदि किसी के एक भी पॉइंट पा जाए तो उसको खींच के एकदम कचवा देते थे हम लोग। आज लगभग 3 साल बाद 2018 में ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद एक साथ इकट्ठा हुए हम लोग। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सुधाकर सोनी जी हैं जो बैंक में FO के पोस्ट पे हैं, और ये कपीश जी हैं काफ़ी वेल सेटल हैं अपनी लाइफ में, और ये बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले, और अच्छी बात है कि हम सभी लोग अपने लाइफ में सेट हैं। तो मंदिर के अंदर घूम रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी की यादें सब ताज़ी हुई और बहुत दिनों के बाद मिलने का मौका मिला, तो हम लोग अब घूम रहे हैं। तो हम लोग मंदिर के सामने मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इधर से बाउंड्री बना हुआ है जाने के लिए, बॉर्डर लगा हुआ है तो भीड़ बहुत हो जाती है, तो इसके लिए डिवाइडर बना हुआ है। सिक्योरिटी लोग यहाँ पे काफ़ी है। ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है गोरखनाथ मंदिर है, काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, रात के टाइम आए हुए हैं। जी यहाँ पे लिखा है कि अंदर मोबाइल ले जाना और खींचना मना है, तो यहीं से आप देख लो, 2x पे करके दिखा देता हूँ मैं। अंदर फ़ोन ले जाना मना है तो यहीं से दिखा देते हैं हम। अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। तो हम लोग मंदिर के अंदर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा प्रांगण है, अंदर से घूम के बाहर आ गए हैं और इधर की तरफ चलेंगे बाहर की तरफ। इधर से आते हैं लोग गेट से, इधर से होते हुए ये मंदिर है, यहाँ दर्शन होती है, सब देख रहे हैं पूरा पत्थरों और टाइल से जड़ा हुआ। यहाँ पे घूम के बहुत ही अच्छा लगा, और ये सुधाकर सोनी जी बहुत ही अच्छे नज़ारे। लगल ना बेटा, अरे कपीश ये देखिए कपीश से एक घंटे से बिजी चल रहा है लड़का, बहुत बिजी है, काफ़ी एचआरए है कंपनी का ना अपने, इसलिए बहुत तो पूरा माहौल देखना पड़ता है। देख रहे हैं जैसे कांच पूरे पत्थर से चमचमाते हुए मंदिर,
बहुत अच्छा लगा। जब भी आप आए यहाँ पे घूमने तो एक बार इधर गोरखपुर आए तो ये मंदिर जरूर घूम के जाएं। और रात को अभी 9 बज रहे हैं और ओपन है अभी, 10 बजे तक आराम से आप घूम सकते हैं। और ये हमारे दोस्त जो पूजा में मगन है अभी, देख सकते हैं आप तो। और ये है जो थक के बैठ चुके हैं, क्या चाहिए थक के। ये बट ब्रिज है, देख रहे हैं कितनी अच्छी नज़ारे आ रहे हैं बट ब्रिज के मंदिर के अंदर। एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है। मंदिर के अंदर का नज़ारा देखिए आप, कितना अच्छा नज़ारा, मनोरम नज़ारा है। हम इधर गेट है जिससे अंदर गए थे, फाउंटेन काफ़ी अंदर चल गए तब हम लोग पहुँचे थे। कुछ दूर कार से आए थे और बाकी पैदल, पैदल मतलब पैदल। हम लोग घूम रहे थे और रात के 9:30 बज रहे हैं तो हम लोग सोचे कि अंदर ही खाना खा के चलते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे एक जो दिख रहा है आपको उल्टा दिख रहा है इसलिए सही नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए हम अंदर दिखाते हैं। चलेंगे अंदर खाने के लिए और काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छा भोजन यहाँ अंदर मिलता है, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ हम लोग खाना खाएंगे, हम लोग बैठ चुके हैं और भोजन ऑर्डर कर लिए हैं। तो दोस्तों हम लोग रूम पे आ गए हैं घूम के और वहीं मंदिर के अंदर खाना भी खाए थे और शाम को पहुंचे हैं गोरखपुर हम लोग। तो मंदिर पे पूरा घूमे हैं और घूम के अब आ गए हैं शाम को रूम पे। अब यहाँ पे वीडियो एडिट करके डालेंगे और कल आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि कल हम और भी जगह का वीडियो आपको दिखाएंगे। तो जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।